السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه فلا يرفث ولا يجهل وان مرء قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهبته من اجلي الصيام لي وانا اجزي به والحسنه باشي امثالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام من آخر إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي الأزيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين मुस्तफ़ा जानमत पे लाख सलाम शम ए बज़म हिदायत पे लाखों सलाम जिस सुहानी घड़ी चम का तयबा का चाँद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम काश महर में जब उनकी आमद हो और बेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हा रजा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाख स्यारे प्यारे से मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह ताला का बेहद हमदना है अल्लाह ताला की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है लात शक्रो अल्लाह का जिस अल्लाह रब्ज़त ने हम सब लोगों पे एक मुबारक महीने की आमद का शरब बख्शा हमें और उस अल्लाह रब्ज़त ने हम सब लोगों को इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लासम की मुबारकबादें सुनने की तोहफ़ी कदा फरमाय और बेशुमार दरदलाम हो नबी अकरम शफी और मुजमर आलम सल्ला वसल्लम की जात अकदस पर जिन्होंने डूबती हुई कश्ती को समंदर के किनारे पर लाख खड़ा कर दिया ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं वरना ये लब कहाँ फरियाद सुनाने के लिए रसोलसम की जात अकदस वो ज़ात है कि सारी कायनत उनके लिए बनाई गई और अल्लाह रबत ने उनकी उम्मत पे एक खास करम फरमाया कि इस उम्मत के शहदा इस उम्मत के सुलह इस उम्मत के हुफाज, इस उम्मत के अलिया भी कयामत के दिन गुनाहगारों की शिफात करेंगे प्यारे प्यारे और मीठी मिठे भाइयों मैंने पुराने मस्जिद की एक आयत मुबारक रवत की अल्लाह तला बकरमाते हैं यादी आमन क्योंकि बल कोम ए ईमान वालों तुम पे अरमदान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं कैमा कुी कब बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे क्यों फ़र्ज किए गए लाकुम तत्कून ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ ताकि तुम परहेजगार बन जाओ ताकि तुम्हें तकवा आ जाए इसलिए तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं अब हर एक काम का एक मकसद होता है तो रोजे का मकसद अल्लाह ने खुद बयान फरमाया ताकि तुम में तकवा आ जाए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ मुतकी हो जाओ अब ये तकवा किस चीज़ का नाम है तो हजरत मुराद रसूल सानी हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तु ने एक बार कारी कुरान हजरत उब इबनिकब रजी अल्लाह तु से पूछा कि मुझे फरमा दीजिए मुझे बता दीजिए कि तकवा किस चीज़ का नाम है तो हजरत उबे इबनिकाब रजी अल्लाह तु ने फरमाया कि क्या कभी आप ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते के दोनों साइड से कांटे हों तो फरमाया जी हाँ मैं ऐसे रास्ते से गुजरा हूँ जो बहुत तंग था और, दोन dus, था था और दोनों साइड से कांटे ही कांटे हैं तो हजरत उबे अल्लाह रजियाल्ला ने फरमाया फिर आपने क्या किया आप कैसे गुजरे तो फरमाया कि मैंने अपने कपड़े समेटे मैंने अपने कपड़े अपने बदन के साथ चिपका दिए और मैं आगे चल निकला तो हजरत उबे अब रजियाल्ला ने फरमाया बस इसी चीज़ का नाम तकवा है कि जब दुनिया में चारों ओर गुना ही गुना हो गुनाहों के कांटे हो और आप उन गुनाहों के कांटों से बचकर निकल लेते हैं इसी का नाम तकवा है गुनाहों के कांटे आपके बदन को नहीं बल्कि आपके कपड़ों को भी छू ना पाए आप इस तरह से चलते हैं इस चीज का नाम तकवा है तो अल्लाह फरमाते हमने तुम पे रोजे फर्ज किए इसलिए ताकि तुम में तकवा आ जाए अब तकवा मतलब गुनाहों से बचने का नाम है नेकी करने का नाम है अब यहाँ पे मसला यह है कि अगर गुनाहों से बचने का नाम तकवा है तो ठीक है अल्लाह ताला तो खुद आ, फरमाता है जबकि रसूल के मुबारक दहन के जरिए एक हदीस में फरमाता है जैसे मैंने अभी हदीस मुबारक तिलावत भी की पहले ही इरा दखला शहर रमदान जब रमदान का महीना जब आता है फसम तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दूसरी रिवायत में है फत अब वाबल जन्ना जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं वह गुलखत अब वाबल नार और दोज के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं वह सुलसलती शैयातन और शयातीन जितने भी हैं वो सबके सब बांध दिए जाते।, जाते हैं जंजूरों में जकड़ दिए जाते हैं उनको इम्प्रजन कर दिया जाता है तो जब शैतानों को बांध दिया जाता है फिर तो खुद ब खुद तकवा आ जाएगा फिर बंदा गुना कर ही नहीं सकता शैतान गुना करवाता है तो जब शैतान को बांध दिया जाए फिर गुना होने का इम्कान इसके इम्कान है ही नहीं फिर फिर गुना कैसे हो जाएगा तो यहाँ पे एक मसला है कि इंसान गुनाह करता है सिर्फ शैतान की वजह से गुना नहीं करता है। चले मान लेता कि हम हमें शैतान भटका देता है तो इसलिए हम गुनाह करते लेकिन मसला यह है कि जब शैतान था ही नहीं तब शैतान को किसने भटकाया था शैतान को तब किसने बहकाया था शैतान तो इमाम का था शैतान फरिश्तों का इमाम था और जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शैतान ने इबादत ना की हो लेकिन फिर भी शैतान भटक गया तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने उनसे कहा कि तुम आदम को सजदा करो सजद इज्जत इन आदम की इज्जत में सजदा करो तो अल्लाह कहता है तो इल्ला इबलीस तो उन सब ने सजदा किया सारे फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया अबावस्तकबर तो उसने इनकार किया और तकबर किया व काम काफीन और वो हो गया काफिरों में से तो शैतान ने इनकार किया क्यों इंकार किया वस्तकबर तकबर क्योंकि उसने तक किया तो शैतान जो इबलीस था इबलीस को अपने नफ्स ने बहकाया अपने नफ्स ने भटका दिया तो हमारे साथ भी ये दो चीजें हैं एक हमारा दुश्मन शैतान है एक हमारा दुश्मन, दुश्मन नफ्स है तो शैतान जो है ना शैतान को तो इस महीने में बांध दिया जाता है जंजरू में लेकिन हमारा नफ्स हमारे साथ है तो हमें इस नफ्स को कंट्रोल करना होगा जब हम इस नफ्स पे कंट्रोल कर पाएंगे ना तो जान लीजिए हमें तकवा तो ये नफ्स इतना खतरनाक क्यों है ये नफ्स क्या चीज है ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे मानेंगे कि नफ्स इतना खतरनाक है अगर हम देख लें अपने डे टू डे लाइफ अगर हम अपनी देखेंगे शब रोज के हालात का अगर हम मुशाह कर लेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा नफ्स है ना ये शहवत के वक्त हैवान जैसे अफ आल जैसे काम करता है और गुस्से के वक्त दरिंदा बन जाता है और मुसीबत और तकलीफ के वक्त ये छोटे बच्चे की तरह आहूजारी करता है और जब इसको आराम मिले आसाइश मिले तो उस आराम के वक्त फिराउन बन जाता है यानी अपने आप को खुदा समझ बैठता है जब इंसान को ना जब इस नफ्स को एक आराम मिलता है जब यह नफ्स जो चाहता है जब इसको वो चीज़ मिले तो फिराउन की तरह खुदा समझने बैठता है खुद को और जब ये भूखा होता है जब इसको किसी चीज की चाह होती है लेकिन वो चीज़ इसको तो नहीं मिलती तो उस टाइम क्या ये पागल हो जाता है और जब पेट भर कर खा लेता है यानी जो चीज इसको चाहिए अगर वो चीज़ उसको अच्छी तरह से मिले तो उस वक्त ये सरकश बन जाता है और ऐसा सरकश बनता है ऐसी सरकश करता है कि अगर इसको भूखा रखा जाए तो चीखता है और बेसब्री का मुजाहरा करता है ये मतलब बिल्कुल एक ऐसे ना एक सांप जैसा बनता है जो सांप एक काला सांप जो अंधेरे में दिखे नहीं लेकिन जब इसके साइड से हम गुजरेंगे तो ऐसे डस लेता है कि फिर इसके जहर का कोई मदावा नहीं फिर इसके जहर का कोई जवाब नहीं होता फिर इसके जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं कोई एंटीबॉडी नहीं फिर इसके जहर को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे इसका जहर इतना खतरनाक होता है तो एक अरबी शायर ने इस नफ्स के बारे में कहा था उन्होंने कहा था कि इन नफ्स क्या है इन वा इन जब इसका पेट भरा होता है जो सीरी की हालत में खर मस्ती में आकर लोगों को पामाल करता है और जब भूखा होता है तो हकता रहता है तो ये नफ्स काम क्या करता है आइए कुरान से पूछते ये नफ्स इसका क्या काम है अल्लाह ताला सुरे यूसुफ में आयत नंबर 53 में फरमाता है इन नफ्स ल अमारतुम बिसू बेशक नफ्स हमेशा बुराई ही का हुक्म देता है ये जो नफ्स है ना ये हमेशा इंसान को बुराई पे खड़ा कर देता है इसका काम ही है कि इंसान को बुरे काम की तरफ ले जाए हजरत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अहमद अलगजाली और रहा तली वो अपनी किताब मकाश फतुलूब में फरमाते हैं कि अल्लाह ने तीन तरह की मखलूकत पैदा की एक ऐसी मखलूक है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ रूह है नफ्स तो उनको फरिश्ते कहते हैं और एक ऐसी मखलूक है कि जिनके पास सिर्फ नफ्स है और रूह नहीं है इनको वानात कहते हैं दरिंदे कहते हैं चरिंदे कहते हैं। और फरमाया और एक तीसरी किस्म की कि जो एक मखलूक है उनके पास नफस भी है और उनके पास रूह भी है तो इनको इंसान और कहते हैं। अब आप देख लें आप अगर आपको आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा है तो इसको बड़ा होने के लिए नरिशमेंट चाहिए कोई गजा चाहिए फूड चाहिए कोई पौधा है, है कोई प्लांट है

अगर हमने अपने नफ्स को गजा अता की अगर हमने अपने नफ्स को नरिश किया तो इतना बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और हम अपनी रूह को खिलाना भूल गए तो रूह मरती जाएगी मरती जाएगी एक वक्त ऐसा आएगा कि हम में सिर्फ नफ्स ही रहेगा रूह बिल्कुल भी नहीं बचेगी और हम इंसानी शक्ल में हैवानात होंगे इंसानी शक्ल में दरिंदे होंगे फिर देखते हो तो इंसान होंगे लेकिन हमारे काम हैवानों के होंगे लेकिन अगर हमने अपने नफ्स को दबा के रखा अगर हमने अपने नफ्स को अगर जब इंसान जिसके पास दोनों चीज़ें है ना अगर ये अपने नफ्स को दबा के रखता है अपने नफ्स को बिल्कुल कम खिलाता नफ्स को खिलाने का मतलब खाना खिलाना नहीं होता नफ्स की जो चाहते हैं नफ्स की जो चाहवात है नफ्स जो चाहता है इसको अगर वो चीजें ना दी जाए बुरे काम ना किए जाए ये चाहता क्या है कि इंसान अभी हमने देखा कुरान की आयत से कि किसार बसू ये हमेशा इंसान को बुराई की तरफ ले जाते इसका काम ही है इसको इसकी गिज़ा बुराई है गलत काम है गुनाह है तो जब ये गुनाह करने पे आमादा हो जाए अगर हम इसको गुनाह करने का मौका ना दें तो ये नफ्स मरता जाएगा मरता जाएगा मरता जाएगा और हम सिर्फ अपनी रूह को गिजा देंगे अपनी रूह को नरिशमेंट देंगे रूह की नरिशमेंट क्या है कि इबादत करें अल्लाह की जिक्र करे अल्लाह का तो रूह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी रूह इतनी बड़ी हुई होगी और हमारा नफ्स ऐसे मर चुका होगा कि हम में सिर्फ रूह दिखेगी नफ्स नहीं होगा तो हम इंसानी शक्ल में फरिश्ते होंगे तो दिखते इंसान होंगे लेकिन कम फरिश्ते वाले होंगे तो ऐसे इंसानों को वली कहते हैं अलिया कहते हैं तो अलिया ऐसे होते हैं कि जिनके पास आ, जिनके जिन्होंने अपने नफ्स को बिल्कुल मार दिया होता है उनके पास सिर्फ और सिर्फ रूह होती है उन्होंने तमाम गजा सिर्फ अपनी रूह को खिलाई होती है वो नफ्स को बिल्कुल भी नहीं खिलाते तो प्यारे प्यसे भाइयों और बहनों हमें अपने नफ्स को मार डालना है अगर हमने अपने नफ्स को मारा ना, तो हमें तकवा आ जाएगा क्योंकि नफ्स अगर हम गौर करेंगे ना कि नफ्स कितना धोखेबाज और कितना मक्कार है कि इंसान की मौत के बाद भी इसके आमाली साल को रिया के जरिए जाया कर देता है आपको पता है मगर मान लीजिए एक इंसान है एक इंसान है एक तहाजद के वक्त उठता है अब शैतान पर तो काबू पा लिया इसने शैतान ने इसको सुलाना चाह लेकिन ये शैतान को ओवरकम कर लिया और ये तहजुद के टाइम उठ गया अब तहजुद पढ़ना इसने स्टार्ट कर दिया और रात के दो बजे उठा था अब शैतान तो इसको फंसाने में नाकाम हो गया लेकिन ये बंदा सुबह फिर उठ के बोलता है हाँ मुझे नींद आ रही है भाई क्यों नींद आ रही है क्योंकि मैं दो बजे तहाजुद के लिए उठा था तो ये सारी इबादत ज़ाय हो गई तो रिया हो गई अब लोगों को दिखाया लोगों को दिखलाने के लिए हो गए नफ्स के ऐसे फंदे होते हैं तो इसलिए एक अरबी शायर ने कहा था कि ला ला तामन गवा तवका शैताना फरमाया था कि अपने नफ्स की अयारों से बचो और इसकी धोखाबाजियों से बेखौफ ना हो क्योंकि नफ्स की खबासत सत्तर शैतानों शे, शे, की खबासत से भी ज्यादा है ना ये सत्तर शैतानों से ज्यादा खतरनाक है सत्तर शैतान इतनी ज़्यादा इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती जितना ज्यादा नुकसान एक नफ्स पहुंचा पहुंचा देता है तो इस नफ्स को हम कैसे अब काबू कर पाएंगे इस नफ्स को कैसे इसके लगाम कैसे लगा देंगे तो इसकी लगाम सिर्फ तकवा में अगर हमारे अंदर तकवा है अगर हम मुत्तकी हैं अगर हम परहेजगार हैं तो हम इस नफ्स पे काबू पा सकते हैं तकवा हम किस चीज का नाम अब हम तकवा कैसे हम में आएगा देखिए इबादत दो तरह की होती है एक को हम मामूरात कहते हैं और एक तरह की इबादत को हम मनहियात कहते हैं मामूरात ऐसी इबादत को कहते हैं कि जिनको करने का हुक्म दिया गया नमाज पढ़ना रोजा रखना सच बोलना जक़ात देना हज करना वगैरह वगैरह ये सब मामूरात में आती है यानी जिनको जिनके करने का हुक्म दिया गया है और मनहियात ऐसी इबादत है ऐसे कामों से बचना जिनके जिनके ना करने का हुक्म दिया गया जिनको जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है शराब पीना जुआ खेलना झूठ बोलना गलत करना बदती करना बदकारी करना ये सब मनहियात में आती है तो इनसे बचने का नाम ये भी एक इबादत है तो जब ये दोनों चीज़ें आएंगे ना किसी इंसान के अंदर मामूरात भी और मनहियात भी जब ये अच्छे कामों पर अमल भी करेगा और बुरे कामों से बच भी जाएगा जब तो इन दोनों की कंबिनेशन को तो तकवा कहा जाता है जब इंसान अच्छे अमाल भी करता है और बुरे कामों से बच भी जाता है तो ऐसे इंसान को मुतकी कहा जाता है इस इंसान में तकवा आता है जिस इंसान में दो दो सिफात पाए जाते हैं जिस इंसान में दो सिफात पाई जाए तो ऐसे इंसान को मुतकी कहते हैं और इसी चीज़ का नाम तकवा है तो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों ये जो तकवा है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम में अगर तकवा ना होगा तो सब कुछ जाया है और अब मसला यह है कि अगर जो तकवा है ना ये तकवा हम में आएगा तो कैसे आएगा तो हमने कहा कि गुनाहों से बचने का नाम तकवा है और अमल करने का नाम तकवा है अब आप पूछ सकते हैं भाई हम तो ठीक है हम में से कुछ लोग बहुत सारे लोग माशा नमाजें पढ़ते हैं साल भर तिलावत भी करते हैं बाकी अच्छे अच्छे काम भी कर लेते हैं गुनाहों से बच भी जाते हैं तो फिर ये बुक प्यास काटने का क्या मकसद है अल्लाह ने बुक प्यास काटने का क्या क्यों हुक्म दिया चले ठीक है अब जितने हम लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं अच्छे काम नहीं करते हैं हमसे गुना भी होते हैं हम भी कोशिश कर लेंगे हम भी नमाज पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से लेकिन ये बुक प्यास काटने का क्या मकसद है तो देखें मैं आप लोग से ये कहूं कि बुक प्यास यूं ही नहीं है असल में ना जितने भी आप लोगों में से प्रोफेशनल्स होंगे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम साल भर अपनी अपने सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ लेते हैं अगर आप लोगों में से कोई एमबीबीएस करता है तो उसको पता होगा कि डॉक्टर्स का ना आखिरी एक साल पूरा इंटर्नशिप का होता है जहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और इंजीनियर्स में तो कम से कम चार इंटर्नशिप जरूरी होती है आपको यू uh, सर्टिफिकेट्स uh, आपको आपने आपको चाहिए कि आप कम से कम चार महीनों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें ताकि जो आपने थियोटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना वो सब के सब आपके दिमाग में उतर जाए वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए तो ऐसे ही जब हम अच्छे काम कर लेते हैं साल भर हमने कुरान पढ़ लिया साल भर नमाज पढ़ ली साल भर लेकिन वो प्रैक्टिकली वो हमारे दिल में हमारे रूह में नहीं उतर जाते तो यूं समझ ले अल्लाह इज्जत ने हमारे लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स रखा है जो हम एक महीने का एक कोर्स करते हैं तो अल्लाह कहता है कि इस एक महीने में तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लो तो ताकि तुम में तकवा आ जाए इसलिए तुम पे एक रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम पे तकवा आ जाए तुम प्रैक्टिस करो नेकियों की तुम प्रैक्टिस करो गुनाहों से बचने की ताकि तुम में तकवा आ जाए जब तुम ये काम करोगे ना तो तकवा आ ही जाएगा तुम्हारे अंदर अब कैसे इसमें तकवा कैसे आ सकता है हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसमें तो देखें एक इंसान है मान लीजिए आज 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 का दिन है आज के दिन आप पानी भी पी सकते हैं आप जो भी आप चाहे वो आप काम कर सकते हैं जितने भी हलाल काम है आप खाना खा ले पानी पी ले दूध पी ले जो मर्जी वो कर ले कोई मैरिड है तो वो अपने मेरड के पास जा सकता है लेकिन कल जब रोजा स्टार्ट होगा ना रोजे के बाद ये सारे हलाल काम हराम हो जाते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरब आफ्ताब तक सुबह की अजान हो गई और म... तब से लेकर मगरब की अजान तक आप पानी का एक गोट भी नहीं पी सकते आप पानी की एक बूंद भी अपने हलक से नीचे नहीं ले जा सकते नहीं आप खाने का एक लुकमा भी नहीं अपने हलक से ले जा सकते भाई ये तो कल तक हलाल था आज हराम हो गया तो अल्लाह कहता है तो अल्लाह इज्जत की मनशा ही ऐसी है, है कि जितनी हलाल चीजें हैं ना जब तुम खुद को इन हलाल चीजों से भी इस एक महीने तक दूर रख पाओगे तो फिर हराम चीज़, हराम चीजों का नाम तुम दूर दूर तक नहीं ले लोगे तुम्हारे अंदर एक प्रैक्टिस आ जाएगी एक प्रैक्टिकल कोर्स कर लोगे Uh, एक इंटर्नशिप होगी तुम्हें कि गुनाहों को छोड़ने का गुनाहों को छोड़ने पे तुम आमादा हो जाओगे न्यूक्यू पे खड़े होने के लिए तुम तैयार हो जाओगे ये एक मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी तुम्हारे लिए ताकि तुम तकवा गुजार बन जाओ तुम तकवा शार बन जाओ तुम मत बन जाओ इसलिए हदीस में आया है मैंने पहले हदीस तिलावत कर ली हजरत अबू खुर रजील रिवायत फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है फरमाती कि रसुल्ला सल्ला फरमाया किन्न से फरमाया कि जो रोजा है ये ढाल है एक शील्ड है एक कवर है जब, जब पुराने लोग ना जब लड़ते थे जंगों में तो उनके हाथ एक हाथ में तलवार हुआ करती थी दूसरे में, हाथ में शील्ड हुआ करता था उस शील्ड से ना वो अपने वैरियर अपने अपोनेंट जो उनका अपोनेंट जो वहां से वार करता तो उस वार को अपोज करने के लिए रेजिस्ट करने के लिए वो शील्ड का कर यूज करते थे तो फरमाया कि रोजा शील्ड है रोजा ढाल है किस चीज से डाल है गुनाहों से डाल है अपने नफ्स के हमले के खिलाफ एक डाल है तुम्हारे लिए रोजा फरमाया फला फलाफुस तो जो बंदा रोजा रखे वो ना बेहत का, का काम करे और ना ही कोई बेशर्मी की बात करे अपने मुंह से वह इन मर उनका लख अगर कोई बंदा इस रोजेदार के पास आए और इसे लड़े और वो या उसको गाली दे देखिए ट्रेनिंग कैसे की जा रही है प्रैक्टिकल कोर्स कैसे हो जाएगा आज के दिन अगर हमें कोई थोड़ा जोर से कुछ बोलेंगे तो हम एक जॉब पार्ड उठ के मारेंगे नहीं जब कल रोजा रखोगे ना तो फिर अगर तुम्हारे पास कोई बंदा आ जाए इस रोजेदार के पास अगर कोई बंदा आता है वह उन लोग अगर वो लड़ भी ले इसके साथमो और गाली भी दे गाली भी दे तो ये रोजेदार क्या, क्या कहे फल या कुलर्रता ये रोजेदार उसको दो मरतबा कहे भाई मैं तो रोजेदार हूँ मैं रोजे से हूँ मैंने रोजा रखा है मैं लड़ने के हालत में नहीं मैं नहीं लड़ सकता अभी तो ये रोजा डाल बना किस चीज के खिलाफ इंसान का जो नफ्स है ना यह नफ्स लड़ने पर मजबूर कर देता तुम उठो और लड़ो वापस उसने गाली दी तुम चारो गालिया वापस सुना दो नहीं तुम गाली नहीं सुनाओगे तो क्या कहोगे तुम दो बार इसको कहोगे की भाई मैं तो रोजे से हूं मैं रोजादार हूँ मैंने रोजा रखा है और फिर नफसी सरमाया और उस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कब्जे में जो रोजेदार के मुँह से जो बू आती है एक पर्टिकुलर स्मेल आती है बू की वजह से इंसान इसको पसंद नहीं करता उस स्मेल को ताला के हाँ वो वो स्मेल वो बू मुश से ज्यादा अतयब मुश्क से ज्यादा पाक और पसंदीदा है अतयब ये तयब की इसमें तफजील है बहुत ज्यादा पाक है अल्लाह तला की नजरों में और अल्लाह क्या फरमाता है यत रुकु व शराब क्यों इसके बु इतनी ज्यादा पसंद है अल्लाह को क्योंकि इस बंदे ने अल्लाह के लिए अपना खाना छोड़ा अपना पीना छोड़ा अपनी शहवत छोड़ी और फरमाते असयामली ये रोजा मेरे लिए अल्लाह फरमाता है असयामली ये रोजा मेरे लिए है अना वनाजी और इसका जजा मैं देने वाला हूँ वोजी बहि की तो तकसी ने इस तरह भी की है कि इसका जजा मैं हूं इस रोजे का जजा मैं हूं यानी अल्लाह खुद कहता अल्ला है कि इस रोजे का जजा ये रोजा मेरे लिए और इसका जजा मैं ही हूँ अल्लाह खुद इस बंदे का हो जाता है और वल अम वसनद बाकी जो निकिया है ना रोजे के सिवा बाकी उनका अजर उनका तो दस गुना दिया जाता है At least ten times. अगर कोई बंदा कोई नेक काम करे तो उसका रोजे के मेरे लिए रखा और इसका अजर मैं दूंगा ये बंदे और मेरे बीच एक राज है ये बंदा चाहे तो पी सकता है खा सकता है इसको किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन नहीं नहीं इसने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ा तो अल्लाह ताला कहता है कि इसका अजर मैं हूं इसका बदला खुद मैं दूंगा तो ये रोजा ये अल्लाह तला की तरफ से एक आ, मुबारक तोहफा है इस उम्मत के लिए बाकी उम्मतों पर भी रोजे फ़र्ज थे लेकिन रसूल सल्लासम ने फरमाया कि इस उम्मत के लिए ना पांच चीजें पांच खसूसियात की गई हैं जो बाकी उम्मतों में जो खसूसियात नहीं थी उन पाँच चीजों में खसूसियात उन पाँच खुशियात में क्या है पहले यह है कि जो इस रोजेदार की मोह की बू होती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्किल से ज्यादा पसंदीदा है दूसरी खसूसियत यह है कि रोजादार के लिए दरिया की मछलियाँ भी दुआ करती रहती हैं दिन भर वो भी दुआ करती रहती है और कब तक करती है इफ्तारी के वक्त तक वो दुआ करती रहती है और तीसरी खसूसियत यह है कि जन्नत हर रोज इनके लिए आरास्ता की जाती है इनके लिए खोली जाती है और हकता और अल्लाह तीस जन्नत से फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंद तुम में दाखिल हो जाए और चौथी खसूसियत यह है कि इसमें सरकशियातियां कैद कर दिए जाते हैं और पांचवी खसूसियत यह है कि रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफिरत की जाती है तो साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये आखिरी रात क्या ये शब कदर की रात है जिस दिन इन रोजेदारों की मगफिरत की जाती है तो रसूल वसल्लम ने फरमाया अरे नहीं नहीं ये शब कदर की रात नहीं है मजदूर एक काम करने वाला जब काम करता है तो उसको आखिर में जजा मिलती है एक बंदा पूरे महीने किसी ड्यूटी पे गया किसी काम पे गया तो महीने के आखिर में उसको सैलरी मिलती है पेमेंट मिलती है तो ऐसे ही शेब कदर के बगैर ये रमज़ान की आखिरी जो रात होती है उसमें बेशुमार मगफिरता की जाती है तो प्यारे प्यारे से मेरे भाइयों और बहनों अभी हम रोजे की बात कर रहे हैं लेकिन मसला यह है कि अब अगर हम रोजा रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या और जो रोजे का जो मकसद है अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो फिर क्या फायदा अब गौर कर ले जिस स्टेज पे अभी हम खड़े हैं जिस लेवल पे भी हम हैं अगर ईद उल फित्र पे भी हम उसी लेवल पे होंगे ना हमारी नेकी की लेवल वही होगी हमारे गुनाहों की लेवल वही होगी तो ध्यान तो ध्यान दे फिर फिर एक बात जान ले कि हमें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल ना हुआ होगा तो ये बदबखती होगी बदबकती होगी और कुछ भी नहीं भूख प्यास काटने से कुछ नहीं होगा रोजा नाम है गुनाह छोड़ने का रोजा नाम है बदानती छोड़ने का रोजा नाम है अपने नफ्स को कंट्रोल करने का अगर आज खाना नहीं खा रहे ना तो कल चोरी का खाना नहीं खाएंगे अगर आज हलाल खाना नहीं खा रहे ना तो कल जब आपके गैर भी नहीं उठाएंगे ना तो कल जब हमारे सामने गुना नंगा होगा तब भी नहीं देखेंगे और हजरत उजरा रजी अल्लाह बयान तो फरमाते हैं कि एक बार रसूल जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो वो मेबर पे जलवा अफरोज हो गए तो उन्होंने हमसे फरमाया कि नजदीक नजदीक आओ नजदीक नज़दीक आओ मेंबर के करीब आ जाओ तो हम करीब हो गए और फिर फरमाया कि जब वो उन्होंने मेंबर के पहले स्टेप पे जब अपना मुबारक कदम रखा तो उन्होंने फरमाया आमीन दूसरे स्टेप पे जब कदम रखा तो उन्होंने फरमाया आमीन मेंबर के तीन स्टेप होते जब तीसरे स्टेप पे जब कदम रखा तो उन्होंने फिर से फरमाया आमीन तो कहते हैं कि फलम नजला

बऊदा मन अदरक रमदान फलम फल खराबी हो उस शख्स के लिए हलाक हो जाए वो बंदा जिसने रमदान पा लिया जिसने रमदान का मुबारक महीना पा लिया और फिर मगफरत ना करवा सका अपनी। अपने गुना बख्शवा ना सका तो उसके लिए खराबी हो तो मैंने कहा आमिर उसके बाद जबरील ने क्या कहा फलम रकी तो स्तानियता जब मैंने फिर दूसरे स्टेप पर अपना मुबारक कदम रखा बऊदा उसने कहा जबरील ने कहा कि खराब हो जाए हलाक हो जाए वो शख्स खराबी उसके लिए

जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा लिया जिसके माँ बाप बूढ़े हो या उन दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो और फिर भी वो अपने गुना बख्शवा ना सका जन्नत में दाखिल ना हो सका तो वो हलाक हो जाए मैंने कहा आमीन तो जबराइल खुद इमाम का दुआ मांग रहे हैं ये दुआ तो दुल्हन बन के अर्श औला पे जाती लेकिन इस मुबारक दुल्हन के माथे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमीन कहने से इजाबत का सहरा बांधा गया फिर ये दुआ कैसे रद्द हो सकती है तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो खुद दुआ में आमीन कहते हैं कि जो बंदा रमादान और अपने मां बाप को पाकर मगफिरत ना अपनी करवा सका और रसूल के मुबारक सुन के उन पर दुरूद ना भेज सका तो वो हलाक हो जाए हलाक हो जाए तो प्यारे प्यारे भाई और बहनों जिस स्टेज पे अभी हम खड़े हैं अगर एक महीने के बाद भी हम इसी स्टेज पे खड़े होंगे तो फिर जबराइल की दुआ और रसोल की आमीन वो तो हमारे हक में कबूल होगी अल्लाह ताला हमें इस शर से महफूज रखे अल्लाह ताला हमें इस शर से महफूज रखे तो इंसान

तो अभी रोजे की फजाइल पे मैं कोई बात नहीं करूँगा इनशा तला हमने इरादा कर लिया है हमारी एकेडमी से इन इस एक महीने में हम चार सेशन देंगे आज पहला सेशन था दूसरा सेशन उसमें फजाल और मसाइल रमदान के बयान किए जाएंगे फिर तीसरे सेशन में भी इनशाला फजाइल और मसाइल बयान किए जाएंगे और चौथा सेशन वो स्पेशली डेडिकेटेड होगा शेब कदर के लिए उसमें शेब कदर की बातें की जाएंगी इनशा तला तो यहाँ पर एक बात करते हुए मैं चलूँ तफस दुर मंशूर जहाज़ इमाम जलाल्दी सयूची रही की तफसीर है वो फरमाते हैं कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दी का तय्यबा ताहिर रजियाल्ला रजी अल्ला फरमाती हैं कि जब मुबारक रमदान आता था तो नबी करीम रहीम सलीम का रंग बदल जाता था और वह नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजजी फरमाते थे और खूब गालिब हो जाता दूसरी रवायत में वही फरमाती है कि जब रमदान के खत्म तक रमदान के आखिरी दिन तक रसूल सल वसम बिस्तर मुबारक पर तशरीफ न लाते थे कभी भी नहीं सोते थे तो उनका अमल ये होता था जो सही तो ऐसे भी मासूम होते हैं। उनको इतनी क्या जरूरत नहीं उनका अमल ये होता था और हमारा अमल ऐसा ना होना चाहिए हम गुनाह भी करते रहे फिर भूख प्यास भी करते रहे नहीं अगर हम भी अपनी मगफिरत ना करवा सके तो फिर मैंने अभी कहा ना फिर भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल ना होगा तो ये भूख प्यास काटने के साथ साथ अल्लाह तला हम सब लोगों को रमदान शरीफ को कदर करने की तोहफेक अदा फरमाए हम लोगों का नाम भी उन सच्चे और अच्छे रोजेदारों में आ जाए और जिन रोजेदारों के रोज़ा कबूल होता है अल्लाह ताला उनके सद के हमारे रोज़े भी कबूल फरमाए तो प्यारे परिसमी भाइयों और बहनों अभी वक्त बिल्कुल हो गया कुछ एक दो मिनट्स बचे हैं तो मैं आखिरी मिनट्स में आपसे ही गुजारिश करूँगा बल्कि अपने आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें नफ्स को कंट्रोल करने के नाम ही तकवा है और जब तकवा हम में आएगा तो रोज़े का मकसद पूरा हो जाएगा आज जो बात हमने की हमने बात यही की कि रोज़े का मकसद क्या है और ये कैसे हासिल हो जाएगा अगर ये रोज़े का मकसद हासिल नहीं होता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल भी नहीं कोई फ़ायदा तो आखिर में एक मुबारक इस रमदान की शान में इसकी फजीलत में एक हदीस सुनाता हूँ कि रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया ये हदीस मुबारक है तरगेब तरहब में नबी अक्रमल कैदाद मुबारक की हर शब रोज़ में अल्लाह ताला के यहाँ से जहनम के कैदी छोड़े जाते हैं कि जो जिनके लिए जहनम जिनके लिए दो लिखी जाती है ना लिखी गई हो उनको आज़ाद कर दिया जाता है उनको माफ कर दिया जाता है उनको मगफरत कर दी जाती है और हर मुसलमान के लिए हर शब रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है हर रोज़ कम से कम एक दुआ कबूल होती है और एक हदसिस में आया है कि तीन आदमी की दुआ कभी रद्द नहीं होती एक रोज़ादार की दुआ अफतार के वक्त जब वो इफ्तारी करता है ना तो उस वक्त उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती दूसरे आदिल बादशाह की दुआ कभी रद्द नहीं होती जो बादशाह आदिल हो इंसाफ पसंद हो कुरान सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करता उसकी दुआ रिया आया कि उसकी आवाम के हक में कभी रद्द नहीं होती और तीसरे मजलूम की दुआ जिसपे जुल्म हो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती तो रोजा रखा जाए और रोजा रोजे का जो मकसद है ना हजरत इमाम गजाली रहा तक मिनाजुलआबिदीन में फरमाते हैं कि रोजे का माना ही है कि हम गुनाहों से दूर रहें हम गुनाह को छोड़ दें रोजे का मकसद ही यही है रोजे का मकसद भूख तस् काटना नहीं है नहीं मैंने कहा ना पहले एक इंटर्नशिप है तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो रोजा है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है एक इंटर्नशिप है ताकि हमें ये प्रैक्टिस आ जाए कि हम गुनाह को छोड़ें जो हलाल काम है हलाल काम को हम तर्क करते हैं इस, इस एक मंथ में ताकि हमें एक ना वो आदत सी बन जाए कि हम गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के रोज़े कबूल फरमाए अल्लाह ताला हमें रोजा रखने की तोफ़ी का फरमाए और अल्लाह खुद फरमाता है कि ये क्या है अय्या कुछ घिने चुने दिन हैं ये ज्यादा दिन थोड़ी है तो पिछली उम्मतों में ना उनका रोज़ा सुबह शादी से लेकर शुरू होता था फिर वो लोग अफ्तारी नहीं करते थे तो फिर उनको फिर रात भर फिर उनको ऐसे रहना पड़ता था और कुछ उम्मतों के लिए अफतारी होती थी और फिर रात को कुछ नहीं खाना होता था फिर वैसे बिल्कुल रात भर भी भूखा रहना पड़ता था इस उम्मत में क्या है हम सहरी भी कर लें और सहरी तो खाना खुद खाना है लेकिन उसके लिए भी अलग से रहमतें हैं जो सहरी करता है उसके लिए बरकतें रखी गई है उसकी दुआ कबूल होती है और जो इफ्तारी करता है अपने लिए खाना खाना है लेकिन इफ्तारी करने का एक अलग ही सवाब है तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस उम्मत पे बड़ा एहसान है और जो बंदा दिन भर रोज़ा रखा तो जब फिर वो रात भर सो जाता है ना तो वो रात भर भी उसका सोना फिर वो रात भर भी रोजा के रोजा में शुमार किया जाता है उसका सोना भी फिर रोज़ा बन जाता है लेकिन अगर उसने रोजा दिल से रखा हो किसी के दिखलावे के लिए रोजा नहीं रखना है हम में रोजा बा मकसद हो हमें रोजा सिर्फ भूख और प्यास ना हो भूखुर प्यास न हो रोजे का मकसद समझना है जब मकसद समझ आए ना कि मैं क्यों रहूं मैं क्यों रहूं रोजे से मैं क्यों मुझे भूखा क्यों रहना है क्या वजह है जब ये चीज हमें समझ में आ जाएगी तो फिर हमारे दिल में इसकी अजमत उतर जाएगी और जब इसकी अजमत दिल में उतर जाएगी तो फिर हम इसको कभी छोड़ भी नहीं सकते फिर इसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं तो, तो इसकी अजमत आप यूं समझ लीजिए रसूल सल्लास ने फरमाया कि अगर एक बंदा जान बूझ के रमदान का एक दिन छोड़ता है रोजा नहीं रखता है एक दिन के जान बुझ के विदाउट एनी रीजन जब कोई ना हो तो ऐसे छोड़ देता है अगर फिर वो पूरे साल भी रोजा रखे फिर भी उसका मदावा नहीं हो सकता फिर भी वो उसका उसकानेटिव नहीं हो सकता अगर एक दिन जान बूझ के छोड़ा जाए तो इसकी इतनी ज्यादा कदर व कीमत है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसको इस मुबारक महीने की कदर करने की तोफ़ी अता फरमाए ये रोजा ऐसा है कि जब हजरत सलमान फ़ारसी रजी अल्लाह तरमाते हैं कि जब शाबान की जब शाबान का आखिरी दिन था शाबान का आखिरी दिन था तो नबी अक्रम सल्ला हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक खुतबा हमें फरमाया खुतबे में उन्होंने फरमाया कि तुम पे अल्लाह त मुबारक महीने का एक, एक मुबारक महीने अल्लाह तरफ से तुम्हारे ऊपर सया फगन होने वाला है एक मुबारक महीना तुम पे आने वाला है और उस महीने के बारे में रसोल ने फरमाया कि इसमें एक रात ऐसी है जो हजारों महीनों से बढ़कर है नशीब कदर की रात और अल्लाह ताला ने इसके रोज़ा को फर्ज फरमाया है रमदान के रोज़े को फर्ज फरमाया है और इसके रात के क्यामिन तरावी को सवाब की चीज बनाया है तो इसे एक हदीस में आया है ना मन मनसामा रमदाना ईमान व एहतिसबन ग कि जिसने रमादान के रोजे ईमान और एहतसाब के साथ रखे उसके तमाम अगले पिछले गुना माफ़ कर दिए जाते हैं बख्श दिए जाते हैं ईमान के साथ और खुलूस नीयत के साथ जिसने रोजा रखा और वमन कामा रमादान ईमान एम, वहत वो फिर तक और जो रमदान की रात में क्याम करता है यानी तरावी पढ़ता है इबादत करता है तो उसके पिछले सारे गुना माफ कर दिए जाते हैं तो अल्लाह का खास करम है अपने बंदों के इस महीने में खास करम होता है तो हम इस महीने की बेकदरी ना करें हम समझ लें कि मकसद क्या है रोजे का और मकसद पूरा ना होना तो खुद को बदकिस्मत तो फिर अपने ईमान को झंझोड़े फिर अपने ईमान को एक जोक दे कि मुझ में ईमान है भी कि नहीं है तो फिर जब हम इसमें खुद अपने अपने आप को बख्शवा ना सके तो फिर बदकिस्मती किसी सिवा कुछ भी नहीं और फरमाया कि इसमें रात क्याम को सवाब की चीज बनाया है और जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो ऐसा है कि जैसे उसने गैर रमज़ान में फर्ज अदा किया यानी इस रमजान शरीफ में एक नफल एक नफल काम एक मुस्तहब काम करना एक फर्ज के बराबर है और फरमाया कि जो अब इस एक महीने में एक फर्ज अदा करता है एक फर्ज अदा करना सत्तर फर्जों के बराबर है तो जो इस महीने में एक फर्ज एक रकत नमाज पढ़ लेता फर्ज की नमाज जैसे उसने सत्तर नमाजें पढ़ ली एक बार जहर पढ़ना सत्तर बार जहर पढ़ने के बराबर है इस मुबारक महीने में तो इसकी बहुत सारी अः फजीलतें हैं इसकी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने इस महीने को शान अता फरमाई है इन शह तल्ला रबुल्जत ने चाह तो अगले सेशन में इस रमदान के फजाइल और इसके मसाइल पर बात करेंगे इन शह तैक्स्ट वीक में इसका एक हमारा दूसरा सेशन होगा उसमें आप सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा इनशा तला आपको लिंक मिलेगी यही लिंक होगी इनशाला उस सेशन की भी तो उसमें रमादान शरीफ के फजाइल बयान किए जाए आज हमने मकसद बयान किया इसका की मकसद क्या है और हमें क्या करना है तो एक इंट्रोस्पेक्शन करें रमादान की स्टार्टिंग में पे भी और रमादान के ड्यूरिंग भी और इसके एंडिंग पे भी मैंने फिर से एक अपना जुमला दोहरा रहा हूँ कि अगर रमादान के आखिरी दिन अगर हमारी पोजिशन वही हुई जो आज है तो फिर हम बदकस्मत है अगर इस एक महीने में हम चेंज ना हुए तब्दील ना हुए तो हमसे बढ़कर बदकिस्मत कोई हो नहीं सकता फिर जबराल असल्लाम की दुआ और उस दुआ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन का असर होगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा हलाक हो जाए जिस जिसने रामदान पाया और फिर अपने गुना बख्शवा ना सका तो हजूर ने इस पे आमीन कहा अब ये दुआ रद्द तो हो ही नहीं सकती तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे शर से महफूज रखे तो हम ऐसे लोगों में से ना हो जाए तो प्यारे पेरिसनी भाइयों और बहनों इनशा ताला इस महीने में हम मैंने कहा चार सेशन लेने वाले आज पहला सेशन था और नेक्स्ट तीन सेशन आने वाले हैं फजाइल मसाइल पे दो होंगे और फिर आखिरी सेशन शब कदर और के हवाले से होगा गए इन शी तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और मैं जाते जाते ये बात अर्ज करूँगा कि हम यहाँ इस ग्रुप में न हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर अरबिक लंग्वेज सीख रहे हैं फ्री में बिल्कुल एकदम फ्री है तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए आप लोग अरबिक लैंग्वेज सीख जाइए क्योंकि एक ऐसी जबान है जिस जबान में अल्लाह इज़्ज़त ने अपने प्यारे अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाजिल फ़रमाया अल्लाह की पसंदीदा ज़बान खुद रसोल्ला वसम की पसंदीदा ज़बान जन्नत की ज़बान होगी कबर की जबान ही होगी तो और इस ज़बान के बारे में हज़रत फारुक़ आजम रजी ने फरमाया कि इस तरह से अरबी जबान जैसे तुम फ्राइज काल्व सीखते हो तो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब हम अरबी सीखेंगे ना तो तभी हम कुरान समझ पाएंगे तभी हम हजीज़ें समझ पाएंगे जब अरबी जबान हमें ना आती होगी तब हम कुरान और हदीस से बिल्कुल नाशना रहेंगे बिल्कुल कोसों दूर रहेंगे फिर हमारे पल्ले कुछ पढ़ा नहीं जाएगा अभी आप दुआ पढ़ते हैं जब अरबी सीखेंगे तो दुआ मांग लेंगे अभी आप नमाज में तिलावत करते हैं फिर जब अरबी सीखेंगे फिर नमाज में अपने रब से बातें कर लेंगे फिर देखेंगे कि मेरा रब मुझसे क्या कहता है ये कब पॉसिबल होगा जब हम अरबी जबान सीख लेंगे तो जितनी भी क्लासेस आज तक हुई है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं अरबी क्लासेस आरिफ नज़ीर ये हमारा यूट्यूब चैनल है आप उस पर देखें जितनी क्लासेस हैं हमारा वीकली टेस्ट होता है उस टेस्ट में शामिल हुआ करें उसमें अटेंड किया करें और हमारे डेली लाइव क्लासेस होती है जूम पे वो भी अटेंड करें हमारे दो बैच अभी चल रहे एक बैच तो लाइव क्लासेस अटेंड करता है और जो हमारा दूसरा बैच है वो लोग यूट्यूब से देख के फिर एग्जाम्स अटेंड करते हैं आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं तो इन एक महीना आ रहा है इसमें नेकियां ही नेकियां होंगी इसमें शैतान बांधे जाते हैं तो शैतान अभी हम पे हमला नहीं करेगा लेकिन अभी अपने हमारे पास जो हमने अपने अंदर एक शैतान को पाल रखा है नफ्स को पाल रखा है इस नफ्स को लगाम देनी है इसका गला घोंटना है तो अल्लाह रब्लत फिर हमें इन हम पे करम फरमाए गई है फजल फरमाएगा हम पे कि हम भी ये मुबारक जबान सीख जाएँ रसूल सल वसम के इश्क में ये ज़बान सीखने क्योंकि ये उनकी मुबारक जबान है अपने आका की जबान सीख जाएंगे इनशा तला तो इस नीयत के साथ कि हम कुरान समझेंगे हम हदीस समझेंगे तो सवाब मिलेगा तो मैं उम्मीद आपसे ही करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर लें इन श्ल अल्ल तरकत फरमाएगा अल्लाह ताली हमारे और आपके तमाम अगले पिछले गुना माह फरमाए जो कुछ कहा अल्लाह रबाल अपनी बारगह में कबुल फरमाए इसमें जितनी भी गलतियाँ अल्लाह ताली उनसे ज्यादा फरमाए जो कहने और सुनने में कमियाँ कोताहियाँ रही अल्लाह ताला वो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ़ फरमाए अल्लाह ताला हम सब लोगों को मुबारक रमादान और रमदान के रोज़ों की कदर करने की तोहफ़ी अता फरमाए या अल्लाह जो कुछ कहा उस पर अमल करने की तोहफ़ी अता फरमा कहने सुनने से ज्यादा से ज्यादा अमल करने की अता फरमा या अल्लाह हम सब लोगों की भूख प्यास को कबूल फरमा उन रोजेदारों के सदके जिनके रोज़े कबूल हो जाएंगे या अल्लाह जिनकी रोज़े कबूल होते हैं हम सब लोगों के रोज़े कबूल फरमा हमारे वाले की मगफिरत फरमा हमारी मगफिरत फरमा हमारे दोस्तों रिश्तेदारों अहबाबोंब अज़ा की मगफिरत फरमा या अल्लाह, हम सब लोगों को अपने दीनी मकिन पे चलने की तोफ़ीकता फरमा हम सब लोगों को इस दुनिया में मुसलमान बन के जिंदा रख और जब हमारी मौत आ जाए तो हम मोमिन बन के मरे या जब हमारी मौत आए तो हमारे नजरों के सामने रसूल के चेहरे अकदस हो ورحمان پہ یہ کلمہ كلمة شهادته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته